ये मेरे सपोर्टर्स और मेरे आवाम के ऊपर है, इंशाल्लाह अगर ये चाहें तो कंटेस्ट कर सकते हैं। मोहल्ले के बच्चे लोग हैं, 7th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड फेल हो जाते हैं, ये लोग पढ़ना नहीं चाहते, काम वगैरह पे जाते हैं, उन लोगों को हमें एजुकेशन देके उनको अच्छा पढ़ी पढ़ा के सेकेंड ईयर बीकॉम पढ़ा के उनको एक इसमें डालेंगे, अच्छे जॉब में डालेंगे। हमारा ILM एकेडमी करके है कमनहली में, मेरी खुद की है और हमारे वाइफ उनके फाउंडर मेंबर हैं, उसमें बच्चों को अच्छे एजुकेशन देंगे हम लोग, हमारे जितना भी वार्ड है उसमें सुधार आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशन टैंक्स का सबका फिर से स्वागत है, मैं इब्राहिम आपके साथ। रियासती कर्नाटक शहर बेंगलुरु में सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी MLA KG जॉर्ज की सदारत में आज कांग्रेस के लीडर नवीद शाफी ने जो है एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया है। जी हां दोस्तों, आज के हेल्थ कैंप में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला और यहाँ पर यह देखने को मिला कि BBMP के वर्कर्स जो है बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर आए हुए हैं। अब क्या मकसद से इन्होंने ये हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया है, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। नवीद साहब बताइए कि ये जो ऑर्गेनाइज किया है आपने आई चेकअप कैंप, ये क्या मकसद क्या है, किस वजह से जो है आपने ये ऑर्गेनाइज किया है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। ये BBMP का जो कैंप ऑर्गेनाइज करने की वजह क्या है बोले तो, सुबह 6:30 बजे से लेके शाम तक भी 2:30-3 तक भी ये लोग हमारा कचरा उठाते हैं, मोहल्ले में झाड़ते हैं और आपका भी कचरा उठाते हैं, वो वजह से हम लोग उनके उनको कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये हमारे MLA के मिनिस्टर KJ जॉर्ज की तरफ से, उनकी सदारत से हुआ है ये, और मैं यहाँ का सोशल वर्कर हूँ और कांग्रेस लीडर हूँ मैं, और उन दिन भर कचरा उठाते हैं, उनका ख्याल करने वाला कोई नहीं है, उस वजह से मैं ये कैंप करा हूँ। और हमारे मोहल्ले के बहुत सारा बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी आके हैं सब, ऐसे और आने वाले भी हैं इंशाल्लाह। क्या क्या किया गया है सर आज के? इसमें आज स्क्रीन टेस्टिंग हुआ है आंखों का, फ्री आई चेकअप है इसमें, और साथ साथ ये है क्या बोलते हैं सो ग्लासेस वगैरह भी दे रहे हैं। ज़्यादा अगर बहुत से आँख में कुछ ये रहा तो हॉस्पिटल को बुला के 50 रुपये का एक कार्ड बनाते हैं,
उसके बाद इलाज फ्री रहता है इनका। नहीं, हम हमारी कौम के लिए और मोहल्ले के लिए इंशाल्लाह 24/7 काम करेंगे इंशाल्लाह मोहल्ले के वास्ते। क्या मोहल्ले की हालत किस तरह है? थोड़ा नहीं, अल्लाह का फजल, अब तो जरा साहब आने के बाद, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद थोड़ा से सुधार हुए हैं हमारे HBR और वार्ड में। अब तक कितने लोग आए हैं सर? आई सवेरे से 50-60 लोग आके हैं, अभी आने वाले हैं। तो सर लगातार जो है ये देखने को मिल रहा है कि आप हेल्थ कैंप कर रहे हो, आधार कार्ड का कैंप किया है, वोटर आईडी कार्ड का काम किया है, और जो भी मसले यहाँ पर है आप जो है पहले आगे रहते हैं, पहले जो है इन मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आने वाले BBMP इलेक्शन में आपका कोई प्लान है इलेक्शन में कंटेस्ट करने का? ये मेरे सपोर्टर्स और मेरे आवाम के ऊपर है, इंशाल्लाह अगर वो चाहें तो कंटेस्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। हमारे मोहल्ले के अंदर अगर मैं जीत गया तो, अल्लाह चाहा तो जीत गया तो इंशाल्लाह हमारे आवाम के लिए, हमारे वार्ड के लिए अच्छा काम करके दिखाएंगे। किस तरह के काम? इंशाल्लाह बहुत से, मतलब ड्रेनेज प्रॉब्लम है, वो वाटर प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुआ है साहब के हिसाब में। ड्रेनेज का जो सिलसिला है 87 में BDA लेआउट बना है, तब से आज तक भी ड्रेनेज का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। ये फैला फैला काम वो करेंगे, अच्छी रोड डालेंगे। हमारे जो मोहल्ले के बच्चे लोग हैं 7th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड फेल हो जाते हैं, ये लोग पढ़ना नहीं चाहते, काम वगैरह पे जाते हैं, उन लोगों को हमें एजुकेशन दे के, उनको अच्छा पढ़ी पढ़ा के, सेकेंड ईयर BCOM पढ़ा के उनको एक इसमें डालेंगे, अच्छे जॉब में डालेंगे। हमारा ILM अकेडमी करके है कमनहली में, मेरी खुद की है, और हमारे वाइफ उनके फाउंडर मेंबर हैं, उसमें बच्चों को अच्छे एजुकेशन देंगे हम लोग। हमारे जितना भी वार्ड है उसमें सुधार आ जाएगा इंशाल्लाह। ये HBR वार्ड में जो हिदायत नगर आता है, यासीन नगर आता है, सेकेंड ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक आता है, ये काफ़ी लोग क्या है रहते परेशान हैं। जब से कोविड आया है तब से लड़के बहुत से आदमियों को एजुकेशन से ये हो गया इनसे, वो उन लोगों को अच्छा एजुकेशन देंगे, हमारे बच्चे लोग अच्छे तालीम करके अच्छी जगह। मेरे साथ एक और शख्स हैं जिनका नाम मुजीब है। मुजीब भाई आप भी जो है इस मोहल्ले में रहते हैं, आज आपके साथी ने जो है हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, आई स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, क्या कहना चाहोगे आप? जी मेरा नाम मुजीब है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कि ये मोहल्ले में ज़रूरी था कि आँखों का जो टेस्टिंग चल रहा है ये बेहद ज़रूरी था। बुज़ुर्ग लोग हैं और कार्मिक और BBMP के लोग हैं, बहुत से लोग हैं कि बाहर जाकर करा नहीं सकते, वहाँ पर सब ज़्यादा रेट रहता है करके बोलते नहीं जा सकते। माशाल्लाह कि इन्होंने हमारे नवीद सर ने HBR लेवल 8th क्रॉस और 6th क्रॉस मोहल्ले वाले के आसिया नगर के सब लोगों को इन्वाइट करके ये टेस्टिंग का इंतज़ाम किया गया है। माशाल्लाह सुबह से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और मैं भी चेक किया, टेस्टिंग किया हूँ मैं, और मेजर रहा तो है ना, बड़े हॉस्पिटल को बुला रहे हैं, उनको खुद नंबर देखे थनी संजा अबू बकर मस्जिद के पास बुला रहे हैं, बुलाकर वहाँ भी रीजनेबल रेट में, ज़्यादा नहीं, बहुत भी बहुत कम रेट में, बाहर से भी बहुत सी कम रेट में है ना, ऑपरेशन भी कराएंगे और दूसरे टेस्टिंग भी करा के है ना ये करके देंगे। अभी जो चल रहा है ये कम्प्लीट फ्री है? हाँ ये कम्प्लीट फ्री है, अब टेस्टिंग किया मैं भी, टेस्टिंग करके नंबर सब देखे हैं, और मेजर रहा तो थोड़ा वहाँ आकर ना उन मशीन में और बड़ी मशीन से चेकअप करते हैं, चेक करने के बाद है ना उन क्या है सो उसका चश्मा वगैरह है ना, क्या कौन सा ले सकते हैं आप तो देख के है ना देख सकते। क्या पैगाम है आवाम के लिए? पैगाम ये है कि यहाँ पर जो भी काम चल रहा है नवीद सार की तरफ से या श्रीनगर में, हर एक भी काम जो भी हो, जो मरीजों का काम है, स्ट्रीट लाइट का काम है, जो भी है रोड का काम है, जो भी बोलते हैं इमीडिएट वो खुद आकर लोगों को बुलाकर, कावेरी पानी का इशू है, अब दूसरा और जो भी हो उसमें है ना बोलते ही ना इंशाल्लाह उन्होंने आकर काम। तो आप लोगों ने सुना किस तरह से नवीद शफी जो है कांग्रेस के एक लीडर हैं, MLA KG जॉर्ज की सदारत में जो है इस तरह के प्रोग्राम्स लगातार जो है करते रहते हैं, और ख़ास करके ऐसे मोहल्ले में, चाहे यासीन नगर हो, हिदायत नगर हो, सुभाष लेआउट हो, इस तरह की कैंप्स लगाना जो है बहुत ज़रूरी है। और BBMP वालों के लिए खासकर जो सोच इन्हीं में आई है, ये सोच अगर बेंगलुरु के अंदर बहुत से साहिब हैसियत लोग हैं अगर ये सब करने लगेंगे तो शायद बेंगलुरु के हालत जो है दिन ब दिन सुधरते हुए नजर आएंगे। तो बाकी खबरों के लिए कि आप मेरे साथ जुड़े रहेगा, मैं इब्राहिम आपके साथ एंशिएंट टाइम्स न्यूज़।